हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1 एंड इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल व्हिच हैज द लाइन सेगमेंट हैविंग द पॉइंट 0 कॉमा माइनस 1 एंड माइनस 2 कॉमा 3 एज द डायमीटर। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है। तो आइए सबसे पहले इसके लिए हम की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसमें हम कुछ तीन चार पॉइंट्स पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट में। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल्स, तो इसकी कंडीशन होती है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। यहां से तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 एज अ डायामीटर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है सर्कल की, x माइनस x2 प्लस y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस द टेंजेंट एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट x1, y1 इज। तो इसकी क्या होती है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये सारे हमारे की कंसेप्ट के पॉइंट हो गए। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन है जो कि टेंजेंट 2x प्लस 3y प्लस 1 पर टच करती है, किस पॉइंट पर, 1 कॉमा माइनस 1 पे। तो यहां से हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल टेंजेंट हमारा कितना दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 1 और पॉइंट क्या दे रखा है 1, -1। तो हम यहाँ पे फोर्थ वाला की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 है, ये y1 है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, और ये हो जाएगा अंदर लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से हम 2x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, लैम्डा माइनस 1 प्लस यहाँ से 2y, यहाँ से बचेगा 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई इन जनरल फॉर्म। तो ये हमारा g1 हो जाएगा, ये हमारा f1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा c1। हम इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हम इन दोनों पॉइंट से निकालेंगे सेकंड इक्वेशन। तो क्या क्या पॉइंट है, 0, -1, -2, 3 एज अ डायमीटर। तो हम इसके लिए थर्ड वाला की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो क्या होता है, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। तो यहाँ से हमें जो पॉइंट्स दे रखे थे वो कितने दे रखे थे, 0, -1 और 2, -2, 3।
तो यहाँ से ये हो जाएगा x1 by 1 और ये हो जाएगा x2 by 2। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो जाएगी x-x1 यानी कि x-0 और x-x2 तो हो जाएगा x+2 प्लस y-y1, तो y+1 और y-y2 तो y-3 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + y² + 2x - 2y - 3 = 0। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर कंपेयर करें तो ये हमारा g2 होगा, ये हमारा f2 होगा और ये हमारा c2 होगा। तो यहाँ से अब हमें क्वेश्चन में क्या कह, तो यहाँ से हमारी ये सर्कल की इक्वेशन आई थी और यहाँ से जो सर्कल की इक्वेशन आई थी वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। तो हम यहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाएंगे जो कि क्या होती है, g2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2। यहाँ पे लिखते हैं बोथ सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2। तो यहाँ से g1 और f1 की वैल्यू क्या क्या, g1 की है λ-1, f1 की है 1 + 3λ/2 और c1 की है 2+λ। और g2 f2 c2 हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2λ-1। तो यहाँ से हमें g2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगी, इधर हमें f2 की वैल्यू भी 1 मिलेगी और c2 की वैल्यू -3 मिलेगी। तो ये 1 + 2 1 + 3λ/2 - 1 = 2+λ और ये -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2λ-2। यहाँ पे -1 भी है और 2 भी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 और ये हो जाएगा -3λ। और इसको इधर लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो -2 - λ + 3 = 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये है, यहाँ पे हम लेमडा की जगह -3/2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² + 2x। यहाँ पे लेमडा की जगह -3/2 - 1 + 2y। यहाँ पे 1 - 3/2, 3/2 पहले से था और 1 3/2 आ जाएगा और -3/2 है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है, +2 - 3/2 = 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² + y² - 5x - 5/2y - 1/2 = 0। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x² + 2y² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10x - 5y और ये माइनस सॉरी यहाँ पे ये 2 × 2 4 - 3 यहाँ पे +1/2 होगा, तो ये यहाँ पे ये +1 = 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।